नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र के नागपुर के संविधान चौक में प्रद्युम्न को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में हुए दिल दहलाने वाली हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एक 7 साल के बच्चे का गला रेत कर बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। इसी घटना को लेकर आज महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान चौक में श्री राम सेरा सामाजिक संगठन तथा बलिराजा पार्टी ने कैंडल मार्च और सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। INN24 न्यूज से बातचीत कर सामाजिक संगठनों ने बताया कि जिस तरह प्रद्युम्न की हत्या हुई है, स्कूलों का व्यापारीकरण होने से इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या इस तरह की घटना होने से पूरे देश की जनता अपने बच्चों का भविष्य असुरक्षित समझते हैं? इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए CBI और NIS द्वारा प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। आइए जानते हैं हमारी INN24 न्यूज की नागपुर संवाददाता पायल वानखेड़े से क्या कुछ कहा श्री राम सेना के तालुका अध्यक्ष कमलेश सिंह ठाकुर और बलिराजा पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र कुमार धावड़े ने। आप जिस तरह देख रहे हैं, दिल्ली में दिल दहलाने वाले हुए हादसे से पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं उनसे कि जिस तरह एक मासूम बच्चे की निर्ममता से हत्या की गई है, एक 7 साल का मासूम बच्चा जिसको गला रेंध के हत्या की गई है, उसी घटना के लिए आज महाराष्ट्र के नागपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ श्रीराम सेना के अध्यक्ष है और बड़ी राजा सेना के भी अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित है। आइए जानते हैं उनसे कि कैंडल मार्च निकालने के उनसे क्या परिणाम होने वाले हैं। नमस्कार, मैं कमलेश सिंह ठाकुर। उस बेचारे 7 साल के मासूम बच्चे ने इस देश के किसी भी नागरिक का क्या बिगाड़ सकता है। इतना निर्भरतापूर्वक उसका वाला हत्या हुई है, इसने इस पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। इसके हत्यारों को फांसी से कम बिल्कुल सजा होना नहीं चाहिए, ताकि ये भविष्य में दूसरा ऐसा अपराध फिर से करना पाए। आइए बड़ी राजा सेना के अध्यक्ष से जानते हैं कि ये जो मामला हुआ है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी की ओर से यही मांग है कि माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा CBI व NIS के माध्यम से इस प्रकार के बच्चों की जो निर्घृण हत्या हुई है, उसकी जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जो मोदी सरकार ने जो 1200 कानून बदल किए हैं, उसमें से IPC और CRPC कानून में भी बदलाव अगर होता है तो इस प्रकार की जघन्य हत्या न होती और ऐसे दोबारा देश में जो आज का बच्चा, जो भविष्य का नागरिक जो माना जाता है, तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यवश घटना है, इसलिए हम उसका निषेध करते हैं। सर, हम जिस तरह देखते हैं कि फिल्मों में हत्यारा हत्यारे की हत्या करते हैं, जिस तरह नागपुर के सेंट्रल जेल में प्रद्युम्न के बाद भी पीयूष का जो हत्याकांड है, उसका हत्यारे की हत्या हुई है नागपुर सेंट्रल जेल में, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें कोई राजनीतिक पहलू है? नहीं, ऐसा मुझे तो कोई राजनीतिक पहलू नहीं दिखता है। वो आपस में जो हुआ उनकी वारदात है, इसमें ऐसा कोई राजनीति उसको रंग देने का प्रयास जो किया जाता है वो बहुत गलत है। अच्छा, तो सर हम देखते हैं कि आए दिन कैंडल मार्च निकलती है, धरना प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं, पर इसके बाद कुछ परिणाम होते हैं आते हैं नजर? ये भारत के जागरूक संविधान और जागरूक नागरिक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारी जो घटनात्मक लोकतांत्रिक संविधान है वो खतरे में, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या मत है? मेरा श्रीराम सेना की तरफ से ऐसा ही मत है और श्रीराम सेना का विदर्भ संगठन होने के नाते मेरी यही शासन से मांग है कि जो भी इनके हथियारे हैं उनको जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी बिठाल के उनको जल्द से जल्द फांसी।